चल पड़िया सारे भाई ने, राम राम दोस्तों, चल पड़िया सारे भाई ने, राम राम दोस्तों। में प्रदीप संधू भाई हो, हम लोग थे भाई खटखट टोल के ऊपर, और हमारे साथ प्रधान जी हैं भाई जो दिल्ली से आए हैं। और क्योंकि अभी डाउट चल रहा है भाई परेड कहाँ पे होगी, होगी या फिर ना होगी, क्योंकि हरियाणा पंजाब और आसपास के एरिया में अपना यह सिस्टम तो चल रहा है, परेड में जावा, लेकिन अभी डाउट अब होगी या ना होगी। प्रधान जी इसके बारे में बताओ थोड़ा, परेड होगी तो किस स्थान पर होगी, और क्या सरकार और किसान और दिल्ली पुलिस के साथ जो बातचीत हुई है वह परेड की अनुमति मिली है या नहीं? ऐसा है कि अभी इसके ऊपर बातचीत चली है। पहली बात तो ये कहना कि परेड होगी या ना होगी, ये बिल्कुल साफ मान लेना चाहिए कि परेड होगी। सवाल ये है कि किसान मोर्चे की मांग है कि जो रिंग रोड है इसके ऊपर हमें परेड करने का अनुमति दी जाए। किसानों ने मांग की है, किसानों ने मांग की है, और ये पहले दिन से यही मांग है। सरकार की कोशिश है कि हम KMP के ऊपर दे दें या दाएं बाएं टरकाने की कोशिश है। आजकल में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो रिंग रोड की इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं। बाकी तो परेड होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग हुई थी उसमें क्या रहा दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में? ऐसा है कि दिल्ली पुलिस भी वही करेगी जो मोदी कहेगा जी। क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर भी जो हमदर्दी देखने को मिल रही है, आज वहां आप जाके देखिए जितना भी आज जवान खड़ा है, दिल्ली पुलिस हो हरियाणा पुलिस हो, क्योंकि वो भी किसान के बेटा बेटी है और उनको भी अपने माँ बाप की भी चिंता है और आंदोलन की भी चिंता है और अपनी खेती और जमीन बचाने की भी चिंता है। और जो परेड को लेकर अभी जो हरियाणा पंजाब से ट्रैक्टर जान लग रहे हैं उनके लिए क्या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या संदेश दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है वह ट्रैक्टर लेके आओ या ट्रॉली भी साथ में लाओ? ऐसा है कि आजकल संदेश देने की तो ये जरूरत ही नहीं है। स्वतः स्फूर्ति आंदोलन इतना तेजी के साथ उठ रहा है, हरियाणा के तमाम गाँव के अंदर लोग इकट्ठे होकर के अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, अपने साधन करते हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक जिन गांव में से अभी तक कम लोग गए थे वहां से बल्कि अब ज्यादा निकलने लग रहे हैं कि तुम पीछे रह गए, और वो कल भी गए हैं बड़ी संख्या में, परसों भी गए हैं, आज भी जाने लग रहे हैं, आपके सामने लाइन लगी हुई है। और ये 26 तारीख तक ये इसी तरीके से कारवां बढ़ता जाएगा और पूरे दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जैसे पिछली मीटिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई दिखाई दी, जैसे 2 साल भाई इसको रोक देते हैं, कमेटी बना देते हैं, तो आज फिर मीटिंग है सरकार और किसानों के बीच, क्या लगता है कुछ इसमें समाधान होने की संभावना 26 से पहले? ऐसा है, जब तक समाधान नहीं होगा संभावना से तो कभी इनकार नहीं किया जाता। लेकिन मोदी को लमलेट तो कर दिया, गोड्डियां के बल तो कर दी सरकार जी। अब इसको लिटाने की जरूरत रह रही है और ये जो दबाव बन रहा है इससे हमें उम्मीद है कि ये सरकार लेटेगी और मांग माननी पड़ेगी। लेकिन सरकार की साथ की साथ ये भी कोशिश है कि किसी तरीके से कहीं कोई उपद्रव हो वो अपने लोगों को घुसेड़ेंगे, RSS के लोगों को घुसेड़ेंगे, कहीं दंगे फसाद करवाएं, कहीं अनुशासन को तोड़वाएं और उसकी कहीं जिम्मेवारी किसानों के ऊपर डाल दें। इसलिए हम तमाम किसान भाइयों से हरियाणा और पंजाब के, खास तौर पर पंजाब के भाई तो बड़े अनुशासन के चल रहे थे, अब हरियाणा वालों ने भी अनुशासन सीख लिया है, पंजाब से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो हरियाणा के भी हमारा तमाम किसान भाइयों से अपील है कि बिल्कुल अनुशासन से रहें और अनुशासन से रहेंगे तो हमारी जीत पक्की होगी जी। धन्यवाद। ठीक है, आपका भी। देखो भाई ये हमारे साथ है प्रधान जी से, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।